बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं। हमारा अध्याय है रासायनिक बंधन। बच्चों मैंने आपको इससे पहले की क्लास में आपको बंध के बारे में जानकारी दी थी और मैंने आपको सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए तथ्य आपके सामने रखे थे। आज मैं आपके सामने उप सहसंयोजक बंध के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं और ये किस तरह बनते हैं, हम इसको किस तरह से निरूपित करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। बच्चों उप सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको जल का निर्माण समझाता हूं, H2O का निर्माण। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर और समझिएगा। बच्चों जल कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। तो बेटा ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से मैंने एक ऑक्सीजन के परमाणु को ले लिया जिसके बाहकोश में 6 इलेक्ट्रॉन मैं दर्शा देता हूं। तो बच्चों इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिए। मैं जैसे ही आगे चलूंगा तो मैं देखूंगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और उसके अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इस तरह से मैं क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन का परमाणु और प्लस एक दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु को लेकर इसके दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं। ठीक है, फाइनली आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहकोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाहकोश में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा एक बंध बनेगा। चलिए बनने दीजिए, तो ये जुड़कर कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक दूसरी तरफ से हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, इसी तरह से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देगा, फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा दूसरे का, तो एक ऑक्सीजन दे देगा। फिर बच्चों शेष ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास यथावत रखेगा और इस तरह से जल का एक अणु जो है वो निर्मित हो जाएगा। बच्चों जल का ये जो अणु बना फिलहाल में ये सहसंयोजक बंध से बना हुआ है। किस बंध से? सहसंयोजक या सहसंयोजी बंध से बना हुआ है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? उप सहसंयोजी बंध। तो अभी तो हमने सहसंयोजी बंध बनाया है ना, अभी हमने उप सहसंयोजी तो बंध बनाया नहीं, अभी तो हमने जल का निर्माण देखा। अब मैं जो बोलने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ यदि हमारे पास कोई यौगिक हो है ना, एक ऐसा यौगिक हो जो ऑलरेडी सहसंयोजी बंध से बंधा हो और उसके पास कम से कम, उसके पास कम से कम क्या मौजूद हो बेटा? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। उसके पास कम से कम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हो, या ऐसा कह दो कि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक से ज्यादा होंगे तो बहुत अच्छी बात। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो बच्चों जल एक सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ यौगिक है जिसके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक यहां पर है और एक ये है, तो उसके पास दो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब इस जल के संपर्क में अगर मैं क्या करता हूं, इस जल के अणु के संपर्क में देखिए इस तरह से ये जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। अब इसके संपर्क में ऑक्सीजन का एक दूसरा परमाणु आ जाए जिसके बाहकोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन परमाणु का जो अष्टक है वो अपूर्ण है, इसको एक एकांकी इलेक्ट्रॉन जोड़े की आवश्यकता है, जबकि जल के पास वो अतिरिक्त जोड़ा पहले से ही उपस्थित है। तो ये जल का अणु क्या करेगा बच्चों, अपना एक एकांकी जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है वो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन के परमाणु को क्या कर देगा? दान कर देगा और उसके साथ जुड़कर एक बंध बना लेगा, और जो बंध बनेगा है ना, तो उसके चल रहा हूं, तो क्या होगा ध्यान से समझिए, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, और बच्चों ये एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन तरह से सहसंयोजी बंध के थे, ठीक है, ऑक्सीजन के इस तरह से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जैसे ही इनके संपर्क में ऑक्सीजन का परमाणु आएगा, ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन परमाणु को दान कर देंगे, यानी ये वाला जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहां से इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये इसके पर शिफ्ट होगा तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन जोड़ा अब यहां पर आपको दर्शित होगा, यानी अब वो यहां से हट जाएंगे और वो यहां पर आपको दिखाई देने लगेंगे। आई बात समझ में? इस तरह से सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ एक यौगिक जिसके पास एकांकी जोड़ा उपस्थित हो, वो अगर किसी अस्थाई ऐसे परमाणु अणु यौगिक को एकांकी जोड़ा दान कर दे,
जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करने की क्षमता हो, तब उनके बीच बनने वाले इस बंद को, बच्चों इस बंद को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उप तह संयोजी, इसको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंद। तो बच्चों ये कहलाता है उपसहसंयोजी बंद, और इसको एक साधारण तीर के चिन्ह से हम इस तरह से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। तीर की जो नोक है बच्चों वो हमेशा दाता ग्राही परमाणु पर होती है, ठीक है, और इसकी जो पूंछ है वो हमेशा दाता परमाणु पर होती है, यानी जो दाता है वो जलकाणु है और जो ग्राही है वो ऑक्सीजन का परमाणु है। फाइनली बच्चों यहां पर अब जो एक नया पदार्थ बनेगा वो बन जाएगा H2O2, और ये जो H2O2 है अब ये जल नहीं कहलाएगा, अब हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना, आपको याद रखना है कि ये जल के अणु के साथ एक अतिरिक्त ऑक्सीजन के जुड़ाव के कारण बना। तो जल के अणु और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना है वो बंध कौन सा है, उपसहसंयोजक है, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के बीच में ऑलरेडी एक सहसंयोजक बंध भी है ना, मतलब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध और फिर दूसरे के बीच में दो बंध, मतलब पहले से ही जल के अणु में दो सहसंयोजक बंध है। लेकिन जब एक जल का अणु बन चुका है उसके बाद जब उसने एक अतिरिक्त ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा हुआ है तब उनके बीच में कौन सा बंध बना हुआ है, वो बंध बना हुआ उपसहसंयोजक। तो होप सो आपको उपसहसंयोजी बंध भी बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चों हमारे इस बंध की कड़ी में हमारे पास एक अगला बंध भी है और वो है आयनिक बंध, जो कि मैं अब आपके साथ अगली क्लास में लूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए थैंक यू।